बॉलीवुड गॉसिप देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। वहीं इस बीच आलिया भट्ट रिलैक्स मूड में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो पूल में रिलैक्स करती नजर आ रही। उनका यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। बता दें आलिया भट्ट अपने स्टार हस्बैंड रणबीर कपूर और अपनी बेटी राहा के साथ अमेरिका में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं और अक्सर अपने वेकेशन की कुछ खूबसूरत पलों की फोटोज शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर फैंस को अपनी छुट्टी के दिन का स्केड्यूल बताया है। सितारों के साथ कई बार ऐसे मामले हो जाते हैं जो ना चाहते हुए भी कैमरे में कैद हो जाते हैं और उनकी फजीहत हो जाती है। ऐसा एक वीडियो इस वक्त एक्ट्रेस नुसरत भरूचा का वायरल हो रहा है जिसने उनकी फजीहत करा दी है। यह वीडियो सीधे एयरपोर्ट से वायरल हो रहा जिसमें वो कार की डिग्गी बंद करने का प्रयास कर रही है लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा। इस दौरान नुसरत कई बार कोशिश भी करती है लेकिन उनकी डिग्गी बंद नहीं होती। शायद उनकी नेक्स्ट जोन कार की डिग्गी का सेंसर काम नहीं कर रहा था। अब यह वीडियो पेपराजी के पेज पर वायरल हो रहा है और इस पर खुद नुसरत भरूचा ने भी रिएक्ट किया है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों जवान फिल्म का सक्सेस एंजॉय कर रही हैं। 7 सितंबर को रिलीज हुई जवान दुनिया भर में तहलका मचा रही है। 75 करोड़ की शानदार ओपनिंग के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वहीं जवान की सक्सेस के बीच किंग खान को अपनी फैमिली संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखा गया। हाल ही में शाहरुख खान के फैन पेज ने मन्नत का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो में शाहरुख अपने बड़े बेटे आर्यन और बेटी सुहाना खान के साथ मन्नत के टेरेस पर चिल करते नजर आए। हालांकि यह वीडियो काफी दूर से लिया गया है और इसलिए इस बात का पता लगाना मुश्किल है कि वीडियो में सुहाना है या गौरी खान। सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 फिल्म लगातार सुर्खियों में बने हुए है। फिल्म ने सिनेमा घरों में गदर मचा दिया। फिल्म रिलीज होने के बाद से हर रोज बम्पर कलेक्शन कर रही है। मूवी ने 11 अगस्त को सिनेमा घरों में धमाकेदार एंट्री मारी थी। तब से लेकर अब तक फैंस के सिर से फिल्म का क्रेज उतरता नहीं दिख रहा। अपने रिलीज के 8वें दिन ही फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली थी। हालांकि अब 35 दिन के बाद भी फिल्म ठीक कमाई करा रही है। वहीं 35वें दिन की कमाई का कलेक्शन भी सामने आया है लेकिन कुछ खास कलेक्शन देखने को नहीं मिला। फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने किया है। वहीं तारा सिंह और सकीना की जोड़ी ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अजय देवगन की फिल्म सिंघम को खूब पसंद किया गया। फिल्म के दोनों पार्ट को अच्छा रिस्पांस भी मिला और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अब अजय देवगन की इस फिल्म के तीसरे पार्ट यानी सिंघम 3 का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। फिल्म सिंघम 3 की जब से घोषणा हुई है तब से फैंस काफी एक्साइटेड है। अजय देवगन की फिल्म सिंघम 3 अगले साल यानी 2024 में रिलीज होगी और इस बीच फिल्म सिंघम 3 को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है की फिल्म सिंघम 3 में अर्जुन कपूर विलेन के तौर पर नजर आएंगे और बताया जा रहा है कि फिल्म सिंघम 3 में अर्जुन कपूर की एंट्री को रोहित शेट्टी और उनकी टीम ने सीक्रेट रखा है। वैसे खबर यह भी है कि अर्जुन कपूर ने फिल्म सिंघम 3 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बॉलीवुड गॉसिप में मेरे साथ इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद टीएनपी न्यूज़।